ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भाई और बहन ने फायर फाइट्स के लिए फंड एकत्रित करने के लिए 338 फीट लंबा और 90 किलोग्रामी वजनी पिज्जा बनाया। पियरे और उनकी बहन रोज मेरी माइयो ने इसे 4 घंटे में तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने 2 कन्वेयर ओवन इस्तेमाल किए। इसका नाम मार्गरीटा पिज्जा रखा गया। पिज्जा की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पिज्जा को 4000 स्लाइड में काटा और लोगों को खिलाया गया है। इस मौके पर 3000 लोग जुटे और न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस के लिए रुपये दान किए। मीडिया से बात करते हुए रेत्रा मालिक पियरे माइको ने कहा, यह कार्यक्रम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद दमकल कर्मियों के लिए रुपये को इंतजाम करना था। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इससे कितना फंड जुटा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल सितंबर से आग लगी थी। इससे पूरे महाद्वीप का 100 लाख हेक्टेयर जमीन में फैला पारिस्थितिक तंत्र जलकर राख हो गया। करीब 3000 से ज्यादा मकान जलकर खाक हो गए। वहीं 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु नष्ट हो गए थे। हालांकि एक हफ्ते में जारी बारिश से कई इलाकों में राहत मिली है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.